नमस्कार दोस्तों, और प्रकृत स्टूडियोज़ की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं प्रकृत सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपनी सेल्फी ले सकते हैं किसी भी सेलिब्रिटी के साथ। तो दोस्तों, ये कैसे संभव होगा तो आप अपनी स्क्रीन के सामने देखकर समझ ही चुके होंगे कि हम जो है फोटोशॉप का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों एक सैंपल, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये मैं हूँ और ये है साथ में MKBHD। तो ये दोस्तों एक फेक इमेज है लेकिन फोटोशॉप के द्वारा बनाई गई है, तो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लगती है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ही आप जो है किसी भी सेलिब्रिटी के साथ जो है अपनी सेल्फी कैसे ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वो लाल बटन दबाकर उसे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों साथ में जो है वो घंटी का जो आइकन है, जो बेल का आइकन है दोस्तों, उसे भी दबा दें। उससे दोस्तों ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों आपको अक्सर ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी, तो ऐसे और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए प्रोफेसर को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। और सबसे पहले दोस्तों आप जो है जाइए गूगल इमेजेस के ऊपर। तो यहाँ पर आप दोस्तों आप लिख दीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फी विद, आप दोस्तों कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलिब्रिटी डाल देता हूँ। और जैसे ही दोस्तों मैं सेलिब्रिटी डालूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह के सेलिब्रिटीज़ आ गए हैं। बराक ओबामा है यहाँ पर दोस्तों, बहुत सारे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं। अगर आप बॉलीवुड के साथ चाहते हैं तो दोस्तों आप बॉलीवुड भी लिख सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सेल्फी, तो आप किसी के साथ भी जो है सेल्फी ले सकते हैं। तो आपके सामने बहुत सारी इमेजेस आ गई हैं, आप इनमें से कोई भी उठा सकते हैं या फिर अपने मनपसंद का एक्टर कोई भी चुन सकते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी चुन सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब स्टार हो, चाहे बॉलीवुड का हीरो हो, चाहे हॉलीवुड का हीरो हो, कुछ भी। तो ये रही दोस्तों सेल्फी की बात। तो ऐसे दोस्तों कोई भी एक सेल्फी की जो है फ़ोटो ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब मैं इस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाला हूँ अक्षय कुमार की सेल्फी। और दोस्तों ये मेरे पास फ़ोटो है और ये दोस्तों मैं सबसे पहले तो ड्रैग कर लूँगा फोटोशॉप के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा फोटोशॉप के अंदर हमारे पास अक्षय कुमार का इमेज। सबसे पहले तो दोस्तों तो ऐसे हुई थी दोस्तों इमेज, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा और इसे लेयर में कन्वर्ट कर लूँगा। और यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल जे के साथ मैं जो है इसका एक डुप्लीकेट ले लूँगा। और दोस्तों सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर करना ये है कि मुझे ये लोगो यहाँ से हटाना है। तो मैं दोस्तों ऐसे ही इसे लूँगा और जैसे दोस्तों इस पर गया, यहाँ पर गया एडिट, और यहाँ पर जाना है आपको फिल। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कंटेंट अवेयर और कर दीजिए ओके। और जैसे आप कंटेंट अवेयर पर करेंगे आप देख सकते हैं वो लोगो जो है वो गायब हो चुका है। अब दोस्तों जो है हमें अक्षय कुमार को यहाँ से काटना है, और उसके लिए हम दोस्तों मास्किंग का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं दोस्तों फटाफट से जो है इसकी मास्किंग कर देता हूँ। तो मास्किंग आप कैसे करेंगे, आप इस लेयर को क्लिक कीजिए, यहाँ पर होगा ऐड टू वेक्टर मास्क, ऐड वेक्टर मास्क या लेयर मास्क दोस्तों ऑप्शन होगी, उसे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप दोस्तों उसे क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर दोस्तों बी की प्रेस कीजिए, मतलब कि बी बटन, या फिर दोस्तों आप ब्रश बी जो है यहाँ से सीधा उठा सकते हैं। अब दोस्तों आप जो है इस ब्रश का साइज़ देख लीजिए, इसकी हार्डनेस देख लीजिए। इसकी हार्डनेस दोस्तों मैं रखूँगा कुछ 85%। और दोस्तों जैसे ही मैं इस पर चलाना शुरू करूँगा, सबसे पहले तो दोस्तों मैं नीचे वाली लेयर ऑफ़ कर देता हूँ। जैसे ऑफ़ किया आप देख सकते हैं ये कुछ ट्रांसपेरेंट सा जो है यहाँ पर आ गया है। जैसे दोस्तों मैं इसे हटाऊँगा तो मैं यहाँ पर इसे हटा सकता हूँ। अब दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पे दोस्तों ऐसे जो है हमें अच्छी तरह से मास्किंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक नई लेयर दूंगा। तो नई लेयर का शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एन पर जाऊँगा और ओके कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक नई लेयर आ गई। अब दोस्तों मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँगा, कलर मैं कुछ रखूँगा ग्रीन, आप देख सकते हैं यह है ग्रीन कलर। और दोस्तों इसमें दोस्तों मैं ग्रीन कलर फिल कर दूंगा। दोस्तों कलर फिल करने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से। दोस्तों जो कलर हमने यहाँ पर चूज़ किया था वो हमारे पास पीछे फिल हो गया। अगर मैं इस लेयर को ऑफ करके देखूँ तो दोस्तों आपके सामने है जो है, तो दोस्तों ये है। अब दोस्तों मैं दोबारा से अपना जो है लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करूँगा, ये जो ब्लैक एंड वाइट जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पर दोस्तों ब्रश टूल सेलेक्ट करके दोबारा से जो है दोस्तों मास्किंग शुरू कर दूंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं जो है बेसिक वाली मास्किंग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है, हमने एक बेसिक सी मास्किंग कर ली है। तो दोस्तों ऐसा होगा जैसे आप दोस्तों व्हाइट कलर फिल करेंगे आप देख सकते हैं वो रिवील हो जाएगा, ब्लैक कलर फिल करेंगे वो हाइड हो जाएगा।
हमें फिलहाल हाइड करना है। और अब दोस्तों यहाँ से जो है हमें थोड़ा सा इसे डिटेल में जो है मास्क करना होगा। तो यहाँ से दोस्तों जो है मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और दोस्तों आप जो है इसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो है अक्षय कुमार को काट लिया है, थोड़ा जल्दी जल्दबाजी में दोस्तों मैंने ऐसा किया है। तो आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट। तो ये थी पहले इमेज, तो हमने जो है इसमें से अक्षय कुमार को काट लिया है। और जैसे दोस्तों हमने इसे काट लिया है, अब जो है आप अपनी ग्रीन लेयर जो है इसे ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब तो है आपको जो है अपनी कोई भी एक इमेज लेनी है, अपनी कोई भी एक सेल्फी ले सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों मेरे पास ये कुछ 3 सेल्फीज़ हैं, तो आप जो है दोस्तों आपको इनमें से कोई भी एक सेल्फी लेनी है। ये वाली थोड़ी सी ब्लर सी है, तो चलिए दोस्तों ये तीसरी वाली ही लेते हैं। तो इसे दोस्तों मैं लूँगा, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसे मैंने लिया। इसका साइज़ थोड़ा सा दोस्तों पहले छोटा कर दूंगा, छोटा करने से और दोस्तों इसके बाद जो है राइट क्लिक करके जो है मैं इसे फ्लिप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं फ्लिप कर लिया है मैंने, और यहाँ पर अब मैं इसे टिक कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों टिक कर दूंगा या फिर एंटर आप कर सकते हैं, यहाँ पर जाइए राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद चलिए ये छोड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी जो है वेक्टर मास्क अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैजिक वॉन्ड टूल पर क्लिक कीजिए और इसे सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों शिफ्ट होल्ड करके रखिए और जो है बाकी का भी जो है सब सेलेक्ट कर लें। अब दोस्तों ये मैजिक वॉन्ड टूल जो है आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पीछे का जो रंग है, जो आपका बैकग्राउंड कलर है, वो दोस्तों एकदम यूनिफॉर्म हो। और ये थोड़ा सा दोस्तों हम जो है वो बाद में मैन्युअली सेट कर लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपको कुछ है यहाँ पे क्लिक करना है, और दोस्तों ये करने के बाद ये जो है यहाँ पर लेयर सिलेक्ट है, ये लेयर मास्क। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पर जो है ब्लैक एंड वाइट कलर होगा। और जैसे दोस्तों ब्लैक एंड वाइट कलर होगा, आपको जो है अपने कीबोर्ड के ऊपर दोस्तों शॉर्टकट लगाना है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। जैसे दोस्तों आप ऑल्ट प्लस बैक स्पेस डालेंगे वहाँ पर ब्लैक कलर फील हो जाएगा, जिससे ये जो है पीछे वाला जो है हमारे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं कंट्रोल डी दबाऊँगा, और कंट्रोल डी दबाते ही दोस्तों आप देख सकते हैं जो है सिलेक्शन चली गई है। अब उसके बाद दोस्तों फिर से जो है ये ग्रीन वाला कलर है, मैं ऐसे क्लिक करूंगा। ग्रीन वाला कलर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों मैं ऐसे यहाँ से हिला सकता हूँ। हिलाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें जो है मैनुअली ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से आप जो है ब्रश वाला टूल सेलेक्ट कीजिए और इसे दोस्तों जल्दी से जो है इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर दीजिए। मास्क चाहे दोस्तों थोड़ा सा रफ सा भी हो सकता है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये दोस्तों कपड़ा है और कपड़े के ऊपर अगर आपने रफ सा मास्क चला भी दिया तो ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली। आप देख सकते हैं सो मैं भी जो है रफ सा ही मास्क चला रहा हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग की हमें जो है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो है शेप मेंटेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये कपड़ा है। कपड़ा आप देख सकते हैं जब भी उड़ता है तो उसकी शेप बदल ही जाती है। अब दोस्तों एक्स दबाऊंगा और यहाँ पर वाइट कलर आ गया। अब जो है मैं यहाँ पर दोस्तों वाइट कलर फिल कर दूंगा बीच बीच में, जहाँ कहीं भी मुझे ये ग्रीन कलर दिख रहा है। अब जैसे ही दोस्तों मैं ये सब क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं तो ये सब जो है यहाँ पर आ गया दोस्तों। हमारा जल्दी से जो जो हमने किया था वो सब हो गया है।
अब उसके बाद जो है दोस्तों अक्षय कुमार को थोड़ा साइड करेंगे, यहाँ पे दोस्तों अपनी इमेज जो है वो थोड़ी ठीक करेंगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है मैंने इसे और बड़ा कर लिया और दोस्तों मैं थोड़ा सा ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा इसे, और जो है यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखूंगा। अब देखेंगे आप दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइन्स लिखने लगी होगी, ये आपको दोस्तों मैनुअली यहाँ पर जाकर रिमूव करनी पड़ेगी। ब्लैक अगर आपको फिल करना है इसके बीच में, आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों अक्सर जो है हमारे मास्क के बॉर्डर्स होते हैं, सॉरी। अब जो है दोस्तों आपको कलर करेक्शन भी करनी पड़ेगी, ये आपका जो है ग्रीन कलर है, आप जो है इसे बंद कर सकते हैं इस तरह से। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग दोस्तों इसे थोड़ा सा सेट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं दोस्तों यहाँ पे रख लेता हूँ और ये तो दोस्तों यहीं पे रहेगा, तो ये दोस्तों मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो है यहाँ पर कोई भी जो है दोस्तों आपको बैकग्राउंड चूज करना है और उसे लगा देना है। तो अब दोस्तों अगर इंडिया में देखें तो आप जो है कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा क्रिस्प है दोस्तों, जो मेरी इमेज है वो थोड़ी ब्लर है, तो हम ओवरऑल जो है सब वो ब्लर कर देंगे। आप ये बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो है दोस्तों एक नॉर्मल फॉरेन का बैकग्राउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके का। उसके बाद से दोस्तों आप जो है इसे चाहे थोड़ा ऐसे रख लीजिए, तो आप ये भी जो है दोस्तों आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों हमें अब जो है थोड़ी सी कलर करेक्शन करनी होगी। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे दोस्तों ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, यहाँ पे दोस्तों और दबा के रखूँगा दोनों लेयर्स के बीच में, क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं ये इसके साथ लिंक हो गई। तो इसे हम दोस्तों बोलते हैं क्लिप मास्क, और इसे दोस्तों मैं जो है एडजस्ट कर लूँगा। तो ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं हम गिरा सकते, यहाँ पे हमें जो है अब ऐड करना पड़ेगा एक्सपोजर, तो एक्सपोजर लगाऊंगा ओवरऑल जो है थोड़ा सा इसे जो है दोस्तों मैं ठीक करूँगा, आप देख सकते हैं ये जो है हमने यहाँ से ठीक कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा जो है ग्रीन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जाएंगे दोबारा से और ब्रश सिलेक्ट करेंगे और इसे हल्का हल्का जो है दोस्तों यहाँ पे फिर हम जो है पेंट कर देंगे और देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो ग्रीनिश जो है बाउंड्री थी वो यहाँ से चली गई है। अब दोस्तों हमें जो है यहाँ पर थोड़े से कर्व्स लगाने होंगे, यहाँ पे जाएंगे कर्व्स, और जैसे कर्व पे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, लेकिन कर्व जो है दोस्तों हमें मास्क करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब जो है यहाँ पर दोस्तों ये मास्क सेलेक्ट है, ब्रश में जाइए, राइट क्लिक कीजिए और इसे हार्डनेस एकदम कम करके इसका साइज जो है बढ़ा दीजिए। और जैसे दोस्तों आप बढ़ाएंगे आपको मेक श्योर कि यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट हो। ब्लैक कलर सेलेक्ट होने के बाद जो है दोस्तों इसे यहाँ पर चला दें। ओके, हमें दोस्तों स्किन का कलर जो है वो चेंज नहीं करना है, हमें जो है सिर्फ बाकी चीज़ों के ऊपर इसका इफेक्ट चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों, अब इसके बाद मुझे जाना है दोस्तों यहीं पे, और यहाँ पर दोस्तों मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब चाहे तो दोस्तों आप एक नई लेयर ले लीजिए, ऐसे दोस्तों नई लेयर लेंगे यहाँ पर होगा दोस्तों आपके पास ब्लर टूल, ब्लर टूल पे जाएंगे, मैं दोस्तों इसे थोड़ा सा ब्लर कर दूँगा, सॉरी। ब्लर करने से पहले दोस्तों आपको जो है सारी जो है कलर करेक्शन के लेयर्स हैं उन्हें हाइड करना होगा। जैसे ही हाइड करेंगे हल्का सा दोस्तों ज़्यादा हो गया, हल्का सा ब्लर चला दीजिए आपने दोस्तों, जैसे ही हल्का सा ब्लर चलाएंगे उसके बाद ये सारा दोबारा ऑन कर दीजिए और देख सकते हैं वो ब्लर हो गया है दोस्तों। अब जो है बैकग्राउंड लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरी इमेज थोड़ी ब्लर है, मैं उसे शार्प तो नहीं कर सकता लेकिन दूसरों को ब्लर कर सकता हूँ। यहाँ पर फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, गजन ब्लर में जाएंगे और सो उसे भी थोड़ा सा जो है मैं ब्लर कर देता हूँ, थोड़ा सा ही करूँगा ब्लर दोस्तों कुछ 0.5 दोस्तों, मैंने इस तरह से दोस्तों जो है सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद से दोस्तों हमारी जो आखिरी चीज़ बची है वो बची है दोस्तों कलर करेक्शन के तौर पर। दोस्तों आप जो है मैं अपनी खुद की इमेज के ऊपर भी
थोड़े से दोस्तों कर्व्स लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा से कलर करेक्ट करने के लिए। अब जो है दोस्तों आपको एक चीज़ दोस्तों रह गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमें जो है दोस्तों ब्लैक्स को और ब्लैक करना होगा। आप देख सकते हैं ये इतना ब्लैक नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर दोस्तों मैं दोबारा से जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा दोस्तों, इसके ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा न्यू लेयर, यहाँ पर दोस्तों मैं सिलेक्ट करूँगा, सबसे पहले दोस्तों मैं डी प्रेस करूँगा और जो है आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट आ गया। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है कुछ, राइट करूँगा और यहाँ पर हार्डनेस यही है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर फिल कर दूँगा। आप देख सकते हैं ये ब्लैक थोड़ा सा फिल हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक फिल करूँगा। तो दोस्तों इरेज में जाके थोड़ा सा, सॉरी, इसे कम कर दीजिए, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा इसे कम कर दूंगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये ब्लैक हो गया है। अब दोस्तों मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है, आई थिंक 45% चलेगी, नहीं दोस्तों मैं इसे रखूंगा कुछ 25% के अराउंड। तो ये आपके दोस्तों रिजल्ट के ऊपर वेरी करता है, आपको किस तरह का रिजल्ट चाहिए। सॉरी, यहाँ पे जाऊंगा और इरेजर, तो ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनली। अब दोस्तों इसके बाद जो है हम, मुझे इसकी थोड़ी सी जो है इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग करनी होगी, तो यहाँ पर जाऊंगा दोस्तों हमारा से और यहाँ पर जाऊंगा कलर लुकअप। इसके बाद दोस्तों जो है आपको अब कोई भी, आपको आई डोंट थिंक सो आपको और कलर करेक्शन करने की ज़रूरत है, यहाँ पे जाइए और दोस्तों आप अपने मनपसंद का कोई भी यहाँ पर फिल्टर जो है लगा सकते हैं। अब आप दोस्तों फिल्टर्स को मिक्स भी कर सकते हैं, उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई भी चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये सॉफ्ट वार्निंग भी ठीक लग रहा है, एंड दोस्तों आई थिंक आप दोस्तों जो है इसका गॉशियन ब्लर जो है थोड़ा सा और बढ़ा दें। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं ऐड करके देखता हूँ गॉशियन ब्लर, तो ओवरऑल दोस्तों गॉशियन ब्लर ठीक लग रहा है। एंड दोस्तों जब फाइनल हो जाए सब कुछ, एक दोस्तों न्यू लेयर लीजिए, न्यू लेयर लेने के बाद जो है यहाँ पर दोस्तों एक ब्लर टूल का आपको ऑप्शन होगा, ब्लर टूल का यूज़ कीजिए। और दोस्तों हम इसे लुक देने वाले हैं जैसे ये फ़ोन के कैमरे से खींची गई हो, और फ़ोन का कैमरा जो है इतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा कलर्स फैल जाते हैं और दोस्तों थोड़ी सी लाइट ट्रैपिंग भी हो जाएगी। अब दोस्तों ब्लर लेने के बाद यहाँ पर पूरी लेयर के ऊपर दोस्तों मेक श्योर दोस्तों सैंपल ऑल लेयर जो है वो सिलेक्ट हो। सैंपल ऑल लेयर से क्या होगा, अब जो है नई लेयर के ऊपर जितनी भी नीचे लेयर्स हैं उनके, उनका जो है दोस्तों उनको रेफरेंस लेकर आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों एक ब्लर सा क्रिएट कर दूँगा, आप देख सकते हैं, तो एक ब्लर सा क्रिएट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी पर जाऊँगा, इसकी ओपेसिटी आप 30% रख सकते हैं, कुछ 25% रख सकते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ी सी सॉफ्ट सी फील आ रही है इस पूरी इमेज में। अब दोस्तों आपको जो है थोड़ी सी लाइटिंग को ठीक करना होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइट पड़ रही है और मेरे यहाँ पर लाइट पड़ रही है, तो मैं दोस्तों अक्षय कुमार की जो है उसको लाइट को ठीक करने वाला हूँ। तो आपको जो है दोस्तों जाना है दोबारा से हमारे शी लेयर के बीच में, यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही जाएंगे आपको एक और एक्सपोजर की लेयर लेनी है। जैसे एक्सपोजर की लेयर लेंगे दोस्तों आपको जो है एक्सपोजर, सॉरी ऑल्ट बाकी इसे सिलेक्ट कर दीजिए, एक्सपोजर जो है अक्षय कुमार का थोड़ा कम करना है। जैसे ही आप दोस्तों इसे कम कर देंगे उसके बाद दोस्तों मेक श्योर आपका लेयर मास्क सिलेक्ट है, यहाँ पर दोस्तों आपके पास ब्रश है, राइट क्लिक कीजिए और इसकी हार्डनेस एकदम जीरो कर दीजिए, आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं जो इसका चेंज कर दूंगा ब्लैक कर दूंगा, तो ब्लैक से ब्लैक करूंगा। आपको इस साइड की तरफ जो है दोस्तों ये चला देना है कुछ इस तरीके से, दूसरी तरफ से नहीं चलाना है आपको दोस्तों, इसे थोड़ा सा कम कर दूंगा कुछ 70%।
दोस्तों जो है लाइट थोड़ी सी मैच हो गई है, आप चाहे तो ज़्यादा मैच करवा सकते हैं, तो ये आपके अकॉर्डिंगली है दोस्तों। ये थी हमारी इमेज। और मैं अगर बात करूँ अपने वाले की, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक्सपोजर डाल के थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, तो ये रहा दोस्तों। एंड फाइनली जो है आप अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों इसकी सबसे पहले PSD सेव कर लेता हूँ, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर जाकर जो है मैं दोबारा से इसकी JPEG को भी सेव कर लेता हूँ। आप दोस्तों कुछ भी रख सकते हैं नाम, ओके। एंड दोस्तों ये रही आपकी सेलिब्रिटी के साथ इमेज। दोस्तों ऐसे ही मैंने जो है, मैंने दोस्तों बैकग्राउंड सेम किया यूज़ किया है, तो दोस्तों ऐसे ही मैंने जो है MKBHD के साथ भी सेल्फी ली है। दोस्तों मैंने दूसरा बैकग्राउंड भी यूज़ किया था, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो आप बैकग्राउंड दोस्तों जो है अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों वो इमेज, आप देख सकते हैं एकदम ठीक ठाक है ये इमेज, इसमें दोस्तों इतनी ब्लरीनेस नहीं है, क्योंकि दोनों जो दोस्तों सब्जेक्ट हैं उनका जो है ब्लर लेवल एकदम ठीक था, वो एकदम उनका जो मैं कहूँगा क्रिस्प लेवल ठीक था, और इमेज को भी मैंने थोड़ा सा ब्लर किया है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये वाली इमेज है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से आप जो है और भी इमेज को यूज़ कर सकते हैं। आप दोस्तों हेयर को ध्यान से मास्क कर सकते हैं, किसी दूसरे ब्रश का इस्तेमाल करके भी इसे अच्छे तरीके से मास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास अक्षय कुमार की लेयर, इसे सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे ब्रश लिया। ब्रश लेने के बाद दोस्तों जब आप दोस्तों मास्क करते हैं, आप जो है यहाँ से ब्रश चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों आप इस तरह का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे दोस्तों इस तरह का ब्रश यूज़ करेंगे आप जो है, ये दोस्तों ऑप्शन होती है ब्रश के ऑप्शंस, आप जो है दोस्तों इसकी रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों यहाँ पर जो है मैं तो दोस्तों आप कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख सकते हैं आप, तो आप दोस्तों ऐसे ब्रशेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों थोड़ी सी रफनेस चाहिए एजिस में, तो आप रफनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा ट्यूटोरियल। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन दोस्तों इसी तरह मंगलमय रहे, और दोस्तों ऐसे ही और फोटोशॉप के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स के लिए प्रैक्टिस स्टूडियोज़ को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस अगर ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमने दोस्तों ज़्यादा कुछ इसमें जो है, अगर आप चाहें तो दोस्तों थोड़ा सा और टाइम लगा के जो है इसे एकदम बढ़िया सा परफेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको तरीका बता दिया है, मैंने आपको टूल्स भी बता दिए हैं, आप दोस्तों परफेक्शन पा सकते हैं। मैंने दोस्तों थोड़ा सा काम बहुत सी जगह दोस्तों मैंने मुझे पता है मैंने बहुत काम जो है जल्दबाजी में किया है, और बहुत सी जगहें जो है दोस्तों यहाँ वहाँ पर एजिस में थोड़ी सी कमी रह गई है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी लाइट है, तो दोस्तों वो सब चीज़ें आप जो है ट्विक कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो ये था दोस्तों एक बहुत ही बेसिक सा ट्यूटोरियल, कैसे आप जो है अपनी इमेज किसी भी एक सेल्फी अपनी जो सेल्फी है किसी भी एक सेलिब्रिटी के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपका दोस्तों कोई सवाल या सुझाव हो, तो इस वीडियो के नीचे दोस्तों आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐसे और ही वीडियोज़ के लिए फोटोशॉप के रिलेटेड, आफ्टर इफेक्ट्स के रिलेटेड, प्रीमियर प्रो के रिलेटेड, या फिर दोस्तों टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आप जो है, अगर आपको वीडियोस पसंद हैं, तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक बार फिर से दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।